इस्लाम ने आकल इस्लाम को सवाल किया कि यार रसूलल्लाह अखबिन यानी ईमान मुझे ईमान की खबर दो। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तुमिनु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिनु बिल कदर खैरी व शर्री। तो ईमान बिल्लाह का मतलब यह है कि आसमान व ताला की हस्ती का अकीदा सबसे पहले इसको माने, इस आलम का खालिक और इस आलम का साने मौजूद है। लाखों दलाइल से साबित है कि सुबहान व ताला इस आलम का साने है। आदमी अपने अंदर गौर करे और फिर हम खुशी को अफला तो फिर एक पानी का बूंद पशिक में मादर में रहम के अंदर अंधेरों के अंदर कैसी शक्ल बनी। इंसान खुद अपना मुताला करे तो सुबहान व ताला के हुजूर का कायल हो जाए। अल्लाह ने फरमाया कुतिला इंसान मा अफर मिन ऐ शैइन खलक मिन नुत्फतिन खलक अकद्दरहु सुम्मा सबील यसर सुम्मा अमातहु फअफर सुम्मा इज़ा शाअ अंसर। यह आयत देखो, अल्लाह अपनी कुदरत बता रहे अपने वजूद पर दलील कितनी बड़ी। दो इंसान इंसान है उसकी हकीकत क्या है, एक मामूली बूंद नापाक कतरा खून मनी का कुतिलल इंसान माफ करो फिर वो इतना ना शुक्रा कि मेरा इनकार करता है। मीन ही सही इनका लगा अपनी हिमकत को सोचे तो उसको पता चलेगा, अंदर से सबक मिलेगा कि इस आलम का कोई खालिक और सान्य है। और ये भी साथ पता चलेगा कितनी बेपनाह लामहदूद सिफात कमालियात का मालिक, लामहदूद सिफात कमालियात का मालिक इसका भी पता चलेगा। उनकी तदबीर, उनका इल्म, उनके इल्म का इहाता, उनका फजल, उनका करम, एक नुतफे की तरबियत देखो मामूली। ये पहले हवा में उड़ा उड़ा फिरता था, इंसान इंसान बनने से पहले उसका नुतफा फिजा में था। तो फिजा में कैसे था, ये इंसान ने गेहूं की रोटी खाई या गीदा खाई, उस गीदा से खून बना और ये खून कितना भीतर होकर नुतफा बना और इस नुतफे में इजमाली इंसान और ये पूरे नुतफे में नहीं न गिन सके इतने जरासीम छोटे 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 नजर भी ना कुछ गिन से नजर आ, इसमें से एक जो सब इंसान बनता है सब फेल हो जाते हैं। एक जमाने में मसला था ना जब फैमिली प्लानिंग का, उस वक्त मैं देवबंद था, मैंने एक मजमून लिखा हिंदुस्तान की हुकूमत को फिक्र हुई कि बस्ती बढ़ रही है, अगर बढ़ जाएगी तो फिर गल्ला कम हो जाएगा। तो जगह जगह के ऊपर बॉल लगे थे कि गल्ला गल्ला बाबा कम गल्ला ज्यादा, बाबा कम गल्ला ज्यादा, नहीं बच्चे कम करो तो गल्ला भरा हुआ। तो मैंने एक बात ये भी लिखी थी कि एक नुतफे के अंदर करोड़ों मखलूक बनने की सलाहियत है, लेकिन अल्लाह क्या नाक है तो उसके अंदर खरबों जरासीम फैल होकर एक कामयाब होता है। एक गधे के नुतफे में हिंदुस्तान की सारी जितनी गधियां हैं सब काबिल हो जाए, इतनी ताकत है एक नुतफे में गधे के, और फिर भी बचे। लेकिन अक्सबान अब ताला का निजाम देखो, तवाल तनासुल का माप है नाप है, कद्दर हो सुम कद्दर हो, अल्लाह ने नाप से किया है, उसने एक दूसरे से कदा पैदा होता है सब फैल, वरना दुनिया कदों से भर जावे लातम लात लातम लात। कितने लोग कोई सर पकड़ के कोई कमर पकड़ के खड़ा हो, किसी को यहां लात मारी किसी को यहां लात मारी किसी को यहां लात मारी, लगा निजाम है कि जितनी जरूरत है इतना कामयाब सब फैल। एक बंदर के नुस्खे में पूरी हिंदुस्तान की बंदरियां घाबन हो जाए, इतनी सलाह एक बंदर के नुस्खे में। ये अल्लाह की कुदरत देखो कि एक बंदर पैदा होगा सब फैल हो जाएगा, दूसरे जरा से फैल।
قتل الانسان ما اکبر، یہ اتنا زبردست اتھاہ نظام آٹومیٹک، ایک سر کے اوپر ٹوپی آٹومیٹک نہیں آتی، کوئی یوں کہے کہ تیرے سر پہ ٹوپی کیسے ہوئی، آٹومیٹک ایک ہوا کا زوردار جھونکا چلا، اڑتی اڑتی کی ٹوپی گم 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 کی جھونک ہو گئی، کوئی پہننے والا پہلانے والا ہے جس نے پہنا ہی خود پہنا ہی تو جا کے سر پہ ٹوپی دی، اتنا اٹھا نہیں جا بس خود دلیل ہے اللہ کی ہستی پر، اس عالم کا کوئی سانے ہے. اب یہ نطفہ پہلے فضا میں تھا، خون بننے سے پہلے جوخ تھے، دانے تھے، غذا تھی، لیکن غذا بننے سے پہلے کیا تھا؟ چاند کی چاندنی، ستاروں کی چمک، سورج کی کرن، اور یہ ساری جمع ہوئی اس بیج کے اندر نے پھر وہ کئی دانے بنے. انسان کا نطفہ پوری دنیا میں منتشر تھا، اللہ نے محض اپنی حکمت سے، تدبیر سے اس کو غذا میں جمع کیا، سواؤں کو، چاند کی چاندنی کو، ستاروں کی چمک کو، غذاؤں کو، حرارت کو، یہ گیہوں کے دانے میں جمع کر دیا، اس گیہوں کے دانے میں خون جمع کیا، نے اس سے نطفہ بنا. اس لیے ہمارا عقیدہ والباسی بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ زندہ کرے گا. جب نطفہ ہوا میں تھا اس کو جمع کر کے انسان بنایا، تو بنایا تو مرتبہ نہیں بنا سکتا ہے، اللہ کے سامنے منہ دکھانے، ایک دفعہ مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کر سکتا. ایک آدمی یوں کرے چپتے مارے اس کے ہاتھ سے روٹی گرے، بغیر مادے کے روٹی بنا سکتا ہے تو بنی ہوئی روٹی کو روٹی نہیں بنا سکتا، پہلے نہیں تھا نے بنایا، واللہ پھر بنے ہوئے کو دو مرتبہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، کرے گا. تو خالی انسان نطفے کے فلسفے پر غور کرے کہ میں کس طرح سے بنا، اور پھر مانسک میں مادر میں دیکھو کتنے اندھیرے، پیٹ کا اندھیرا، کوتھری کا اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرے، اور ایک دم تنگ تنگ جگہ. فوٹو کھینچنے کے لیے سب سے پہلے تو اجالا چاہیے. ایک آدمی کو یوں کر کے دیوار کے اوپر فوٹو کھینچ، اندھیرے میں وہ کھینچ نہیں سکتا ہے، ناک کی جگہ پر آنکھ ہو جائے، آنکھ کی جگہ پر ناک ہو جائے، کان کی جگہ پہ ناک، ناک کی جگہ پہ کان، الٹ سلٹ ہو جائے اندھیرے میں. ایک تو اجالا چاہیے. تو ماں کے پیٹ میں یسوع فی الارحام کیف یسع، پیٹ کے اندھیروں میں میں چاہوں ایسی شکل بناؤ. دیکھو اندھیرے کے اندر ایک تو شکل بنی، اور اپنی اپنی جگہ پر رنگ پھیر، دانت منہ میں ایسا نہیں کہ پیشانی پر لائن لگا دی، امید گئے افیان خوشی کا پھلا دکھ سے کہ. اور دوسری یہ چاہے کہ جگہ توڑی ہو، سادہ ہو تو کتنے کے لیے، تاکہ گھوم سکے، بنا سکے. تنگ کوتھری میں کوئی نہیں بنا سکتا ہے، تو ماں کے پیٹ میں بچہ اتنا پھیر کیسے کوئی شکل بنا ہے. اور تیسرے نمبر پر فوٹو کھینچنے کے لیے خشک جگہ چاہیے. اگر دیوار میں پانی ٹپکتا ہے، گرتا ہے، یوں تھا تو ساتھ پانی کی بہہ برس رہی ہے تو کوئی فوٹو نہیں کھینچ سکتا ہے، بگڑ جائے. اور یہ تو پیکر پانی سے شکل بنائی، حوض کے حوض میں سے کوئی آدمی کسی کو گلاس بھر کے پانی دے دے کے لیے اس کی شکل بنا گاندھی جی کی. قتل الانسان ما اکفر من شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ، ایک نطفے سے ہم نے تم کو پیدا کیا. اوقات کیوں بھولتا ہے؟ پھر اور کتنی آنکھ جتنی جگہ سے نکالا ہے. اگر اتنے بڑے انسان کو تخلیق کی شکل نہ دیکھ رہی، کوئی یوں کہے کہ آنکھ جیسی جگہ سے تو باہر آیا ہے، تو سمجھ میں بھی نہ آیا کہ آنکھ جتنی جگہ سے کہا چھٹک کے آیا. سمت سبیل یسر، یہ ہے اللہ یوں کہتا ہے تیرے آنے کا راستہ گلے کیا. سمت سبیل یسر قتل الانسان ما اکفر من شیء خلق من نطفۃ خلق من نطفۃ قدرہ، ناپ لیا، اتنا اونچا بھی نہیں کہ بانس جتنا ہو جائے، اور ایک دم مینڈک کی طرح زمین کے ساتھ رینگنے والا بھی نہیں، ناپ سے بنایا. کتنا جچا تلا ناپ، اس کی قد و قامت کے اعتبار سے کان ہے، ناک ہے، انگلیاں ہیں، پوروے ہیں، کبھی کوئی استثنائی شکل، لیکن عمومی دیکھو، اغلب دیکھو. قدر، ماپ لیا. سمت سبیل یسر، پھر نکلنے کی راہ کتنی آسان کی،
बच्चा पैदा होते वक्त तो औरत जो चिकनाई छोड़ती है, ऐसी चिकनाई धरती पर नहीं है। बकरी हो के भैंस हो के औरत हो, बच्चा पैदा होने से पहले शर्मगाह पर चिकनाई आती है, जिससे बच्चे को निकलने में राहत रहे। सुम सभी लयस सर फट से बाहर, ऐसी चिकनाई पहले से ही छोड़ती है, पैदा इससे पहले छोड़ती है, बच्चा बनने से पहले। ये ऑटोमेटिक है, एक आदमी का थूक ऑटोमेटिक थू नहीं करता है, एक आदमी को थूकना तो ऑटोमेटिक नहीं थू करना पड़ता है, मुंह में पानी तो पिक करनी पड़ती है। ये कैसे ऑटोमेटिक? अंतु अमीनो बिल्ला, एक नमूना दिया मुस्तफर वाले, ये रब्बड़ है उसको खींचो, उस पर तुम कितना तुल तुल कर सकते हो, उसूली बात है। बीज जमीन में बोया आम की गुठली, उसको किसने हिदायत फरमाई कि तेरी जड़ें नीचे जावे ने तेरी शाखें ऊपर आवे? उसको तो यूं ही डाल दिया, उसको सीधा किसने किया कि उसकी पत्तियां ऊपर आवे फिजा में और उसकी जड़ें नीचे जावे? ये ऑटोमेटिक, किसी ने हिदायत फरमाई कि तेरी जड़ नीचे जावे ने तेरी पत्ती ऊपर आवे, क्योंकि तू सिर्फ सिर्फ इंसानों की खिदमत के लिए उग रहा है, तेरे फल वो खा सके, केला आम सीताफल अंगूर चीकू हमारी, इसके लिए बहुत असर पड़ता है तबियत, ऐसा बैठता है। समझ में आई बात? मुर्दार हूँ बैठने बैठने सा पीपल विज हो गया है, पीपल विज में गया फुट पावजी पर तबियत पर बहुत असर पड़ता है, तब भूल जाता हूँ। अंतो मिनो बिल्ला, तो अल्लाह की हस्ती पर अकीदा और उसके आयात अल्लाह ने बहुत बताया। अब ये बीज जमीन के अंदर जो दरख्तों का उगता है, इसलिए कुरान ने जगह जगह दरख्तों की मिसालें दी। अफराई तुम माता हरसो अंतुम तजरजारी हो, भला बताओ वो खेती जो उगती है, वो दरख्त जो उगता है, उसको तुम उगाते हो कि हम उगाते हैं? अल्लाह ने कहा अफराई तुम मा तुम लोग, वो मनी के कतरे जो तपकाते हो शिक में मादल में, अंतुम तक लो नहनुल खालिकों, अब उस पानी से भारत तुम बनाओगे? तुम्हारे अंदर ताकत बनाओ, तुमने तो दाल कट गए, अब मैं बनाता हूं। अफराई तुम अलमाल लदी तसरबून अंतु अंजल तुम हमिन अलमुजम नहनुल मुंजिलून, अल्लाह का अंदाज तो देखो कि मैं हूं, ये पानी जिसको तुम प्यास के वक्त घट घट पीते हो, ये बादल से तुम उतारते हो कि हम उतारते, ये पानी बना के देखे कोई साइंसदान, इसको फिल्टर तो कोई भी कर, उसको बनाओ नहीं। ये दुनिया में जितने पी रहे हैं मशरूबात है, ये सेवन ऑफ है, ये पेप्सी है, ये कोको है, कोकला है, ये तो मेरा पानी है, उसको तू पानी बना नहीं मानता, उसको उतार, ये तो मैंने उतारा। ये ऑटो एक एक मामूली चीज टेंपल की पत्ती कोई बगैर फीत के नहीं फीत हो सकती है, इतना अठा निजाम ऑटोमेटिक बना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कहा गया ये दहरिया जो है वो यूं कहते हैं कि दुनिया अद्भुत चल रही है ऑटोमेटिक, उसका कोई बनाने वाला नहीं। अब हनीफा अली रहमा का जमाना था, उनके पास गए मुनाजरे के लिए, वक्त से भी वक्त पहुंचे। इमाम साहब अली रहमा ने फरमाया कि बात यह है कि अभी ये बात बाद में करेंगे कि इस आलम का शान है कि नहीं है, लेकिन एक अजीब वाक्य मेरे सामने आया। उनकी बड़े बड़े उलमा ने कहा दहरियों की कौन सा वाक्य? कि मैं समंदर के किनारे खड़ा था तो उड़ते 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 दरख्त के तख्तियां आई बड़ी बड़ी, और मेरे सामने वो फिट आहिस्ता से धीरे 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 फिट होकर बहुत बड़ा जहाज बना, फलक बोस जहाज बनने के बाद हर जगह से सामान कीमती कीमती आके अपने तौर पर करीना से उसमें तरतीब से फिट हो गया, इस विभाग में ये है, उसमें कपड़े है, उसमें ये है, उसमें लकड़े है, सब
फिर अपने तौर पर खास सलीका से बावकार वो किश्ती चलते चलते उतना ऊंचा इतना खास जहाज किनारे पर आया। दहरियों ने कहा कि पागलों से क्या मुनाजरा करें, पागल जैसी बात करें। अब अनिफा अली रहमान ने कहा कि तुम तो मुझसे ज्यादा पागल, एक जहाज जब खुद नहीं बन सकता है तो इतना बड़ा अच्छा निजाम तुम तो यूं कहते हो कि ऑटोमेटिक बना। ये चांद और ये सूरज और ये सितारे और ये समंदर और ये नदी नाले और ये समंदर में जजरोमद जवार भाथा, ये ऑटोमेटिक बना। तो वो खामोश हो गए, कितना बड़ा जवाब। एक बुजुर्ग को पूछा कि इस आलम के सामने पर आपके पास कोई दलील है? इन्होंने कहा कि हिस्नुल हसीनुल अमलस खारजुहा अलबैदा, एक ठोस सफेद कलर का किला, उसके अंदर क्या है उसके बाहर और उसके अंदर कोई मनफज नहीं, आने जाने का कोई रास्ता नहीं, पनसद अजीदार उसकी दीवार टूटी और उसके अंदर से इतना खूबसूरत बच्चा निकला, ये बहुत बड़ी दलील है कि कोई है आलम के पीछे पसे पड़ता, यानी अंधा। अंधा देखो, कोई न हवा जा सकते हैं, जिंदगी बनने का कोई सामान नहीं, न हवा न पानी, बस सब बंद। अल्लाह अपनी कुदरत बतला रहा है, युखरिजुल हय मिनल मैत व युखरिजुल मैत मिनल हय, मैं हूं कि अंधे से बच्चा निकालो ने बच्चे से अंधा निकालो, जिंदे से मुर्दा ने मुर्दे से जिंदा। वो अंधा जो हवा जा सके न पानी जा सके न दाना जा सके, एकदम किला मजबूत बंद। 21 दिन के बाद इन सदा जिदार उसकी दीवार फटते हैं, अंदर से खूबसूरत बच्चा निकलता है, उसकी आंखें भी है, दिल दिमाग भी है, पढ़ भी है, न खूबसूरत और निकलते ही बोलता हो गया और दाना चुकते हो। किसने सिखाया कि दाना चुकने का, कोई अंदर उस्ताद तो थे लेकिन निकलते ही दाना खाने का बड़े होने के लिए। आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने को पसे पर्दा रखा छुपा के, लेकिन अब कुवत हुवल बातिन के साथ कुवत जाहिर, अब पढ़ते हैं हुवल बातिन हुवत जाहिर, वो इतना बातिन के मुसा भी नहीं देख पाए अलैहिस्सलाम, और इतना जाहिर कि हर चीज से उसका जलवा नुमाया कि मैं हूं जमाल रूह परवर सूरत महरे नीम रोज, जमाल रूह परवर सूरत महरे नीम रोज, आप ही हो नजारा सोच पर्दे में मुंह छुपाए के, आप ही हो नजारा सोच पर्दे में मुंह छुपाए के। सूरज की टिकिया को कोई लाख पर्दे करे लेकिन पर्दों के आर पार उसकी किरण झलकेगी। अब सुबहानहू ताला चाहे पर्दों में पर्दों में पर्दों में, लेकिन मारिफत उसे कहेगा उसको गुलाब की पंखरी पर भी नजर आवे अगर बसीरत है। एक दिल की आंख, एक पेशानी की आंख, पेशानी की आंख रंग देखते लाल पीला कब चचरा, और दिल की आंख हर चीज में जलवा देखती है। अक्सुमान उतारक आंख बंद करके देखता है, एक तस्वीर उनकी गैर की महफिल में है, एक हमारे पास है, गर्दन झुका के देखी। एक तस्वीर उनकी गैर की महफिल में, एक हमारे पास है, गर्दन झुका के देख ली। एक बात मजनून जोश में क्या पते की कह गया, एक बात मजनून जोश में क्या पते की कह गया, मेरे दिल में कौन है लैलागर महल में। किसी ने कहा कि लैला तो महल में इसके खा रही है। मजनून ने कहा गलत है, एक आदमी एक ही वक्त में दो जगह नहीं हो सकता है, वो महल में है तो मेरे दिल में कोई और है, वो तो यहां बैठी है अंदर झूले खा रही है। हर एक के दिल में अल्लाह का जलवा है, कोई हर चीज बतला रही है। जर्रे जर्रे से अक्सबान उताला की तर्जुमानी हो रही है कि पसे पर्दा कोई ताकत है, उसका इल्म भी है, उसकी तदबीर भी है, उसकी कुदरत भी है, उसका फजल भी है, और सिफात के साथ, बगैर सिफात के कोई कोई चीज बना सकता है। गुलाब की पंखड़ी अब जमीन नीचे तक खोदते चले जाओ, न खुशबू है न रंगत है, अब गुलाब के फूल पे रंगत कहां से आई, खुशबू कहां से आई,
नीचे तक तलाश किया, मिट्टियों में तलाश किया, न रंगत है न खुशबू है। ये धूल की पंखरी से तर्जुमानी होती है अक्षमान उतला की जाते। अंतुमिना बिल्लाह का पहला अकीदा है कि इस आलम का साने है, जिसको हस्ती कहते हैं, इस आलम की हस्ती पसे पर्दा है और उसके पर दलाइल है। कितने बड़े दलाइल! एक आदमी जंगल में जाता है, बकरी की मैंगनी देख के कहता है कि यहां से बकरियों का रिवर गुजरा है। ऊंट की गोबर देख के कहता है कि नहीं, ऊंट का रिवर गुजरा है। कदम के निशान देख के कहता है कि कोई काफला गुजरा है ऊंटों के साथ। जब आसार अकदम काफले का पता देता है, तालम की इतनी बड़ी बड़ी आयात निशानियां इसके खालिक का पता नहीं दे सकते। दिल की आंख के दरवाजे खुले तो नहीं, बंद है, लॉक है, बसीरत का है उसे। आदमी दो अंगूठियां हाथ के ऊपर रख दे तो दुनिया नजर नहीं आती। इसी तरह दो अंगूठे दूसरे बातिन है और दिल की आंख पर रख दे तो कुछ नजर ना आवे, जाहिल, इसको मारिफत नहीं। ये बेचारे जितने भी असलाम परस है, कुरान ने फरमाया खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, उसके दिल पे मोहर लगा दी, अंगूठा बंद कर दिया। जैसे कोई आंख के ऊपर यूं कर दे तो अब उसको पता नहीं चलेगा कि अब्बा कौन ने अम्मी कौन। जो भी मर्ज का लहजा होगा अब्बा ने, जो भी लेडीज लहजा होगा अम्मा, क्योंकि आंख के ऊपर अंगूठे रख दिए। इसी तरह खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उसके दिल पे मोहर लगा दी तो दिल की आंख बंद तो उसको खुदा नजर ना आवे। अल्लाह से तौफीक मांगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। वो हिदायत न दे तो कौन हिदायत पढ़ा सकता है? आदमी इतरावे ना, उसके उसका कर्म समझे, उसकी तौफीक समझे, वो सलब कर ले तो कोई है जो दे दिल की आंख? कोई नहीं दे सकता है। तो ये अल्लाह की वजूद के ऊपर कितनी बड़ी ठोस दलील निशानी है। अंडे में बच्चा पैदा होता है, न मनफज है, न मखरज है, न मतकल है, न हवा है, न ये है। ये अल्लाह के वजूद के ऊपर कितनी बड़ी दलील। आसार अकदम जंगल के अंदर काफलों के चलने के निशान से आदमी अंदर लगाता है कि काफला गुजरा है। ये आसमान, ये सितारे, ये जमीन, ये बड़े बड़े समंदर, समंदर में कैसी मखलूकात, एक एक मछली कितनी बड़ी बड़ी और कितने किस्म की मछलियां, हर मछली के गोश्त की खासियत अलग। जंगलात में कितने दरिंदे, हर दरिंदे की शक्ल अलग, रंगत अलग, खासियत अलग। हसरातुल अर्द में कितने किस्म के मकोड़े, ऑटोमेटिक थोड़ा है, हसकुत थोड़ा है, इसको कोई बनाने वाला है। किसी और बुजुर्ग को पूछा, जिन्हों कहा कि शहतूत के पत्ते एक दरख्त आता है, गाय भैंस बकरी खावे तो पेट में जाके दूध बने, गोबर बने, और रेशम का कीड़ा उसको चाटता है तो ऐसा रेशम का धागा बनता है, उसको हाथी भी बांधे नहीं तो राज धागे को तोड़ नहीं सकता है। अब ये रेशम का कीड़ा क्या उसका थूक है, वो शहतूत के पत्ते खा के इस तरह से राल में उलट 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 होता है, वो अंदर बीच में हो जाता है, उसके ऊपर क्या है, जैसे रुई का ये होता है इस तरह ऊपर हो जाता है, अंदर बीच में वो कीड़ा है और उसी में फिर मर जाता है, तो ये उससे फिर धागे बनते हैं रेशम के। ये रेशम के कीड़े का लुआब रेशम का धागा बने, उसके थूक में इतनी ताकत, ये धागे को हाथी भी बांधे तो तोड़ न सके। और लचक, अगर उस धागों से कोई अस्कन पहन ले, शेरवानी पहन ले, कुर्ता पहन ले और उसको कोई तलवार भी मारे तो यूं सिरक जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, यूं हो जाएगी। इसे मुजाहिद को पहनने की इजाजत दी थी, यूं हो जाए, यूं न जाए, असली रेशम। एक पत्ता दरख्त का, शहतूत का, रेशम का कीड़ा चाटे तो रेशम के धागे बने, गाय भैंस बकरी खावे तो दूध गोबर बने, और जंगल के कस्तूरी हिरन उसको खा ले तो उसका नाफा से ऐसे मुश्क अंबर के पूरा जंगल महके, वही खून उसकी नाप में पहुंचता है।
नाप के अंदर जहां महल कुशल होता है, मुश्क अंबर बनता है तो पूरा महल वही खूने बचता है, दरख का खाया हुआ खून बना हुआ पूरे जंगल को क्या है मुअत्तर मंबर कर देता है। एक ही पत्ते से धागा भी बने, मुश्क भी बने, दूध भी बने, गोबर भी बने, कौन ताकत है ऐसी जैसा कर रही है। इसलिए कुरान ने तदब्बुर की दावत दी, अफला तदब्बरून, अवला अकिलून, अवला अलमून, अवला शुरून। कभी सोचा कुरान कितने प्यार अंदाज से तुमको कह रहा है कि सोचो, अगर जिंदगी में एक बार भी अल्लाह की मखलूकात ने मसनूआत में इस तरह से मुताला नहीं किया तो पूछ होगी कि मैंने ऐसे गफलत के लिए बना, मां खलक ताजा बातिला, ये खाली खेलने के लिए थोड़ा बनाया। सोचो जरा, उससे मुझ तक पहुंचो, इसको देख के मेरी मारिफत हासिल करो। ये मुस्तकिल किताब है आलम, उसकी एक वरक वरक आपको मारिफत का सबक दे रहा है। मरज अल बहरनी अल तकियान बैनहुमा बरज़खु ला यबगियान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान। कुरान पढ़ो, कुरान का नुज़ूल मारिफत के लिए है, हिदायत के लिए, लेकिन हिदायत लेते आना चाहिए, मारिफत लेते आना चाहिए। अल्लाह कहता है कि तो समंदर हाजा मिलहुल उजाद हाजा अजबुल फुरात, इधर से चिल्लु मीठा पानी, उधर से चिल्लु नमकीन पानी, बैनहुमा बरज़खु, बीच में सथी तनाव, कोई दीवार नहीं, लायक ज्ञान हमारा उधर है, खबरदार मिक्स हुए तो अलग रहो, ये इधर ने उधर दोनों मिलते नहीं। बैन उमा बरज़खुल्ला, बरज़ख माने सत ही तनाव। एक आदमी गलास में पानी भरता है तो एकदम किनारे पर पानी आने के बाद भी दाहिनी बाएं घिरेगा नहीं, यूं वर्तुल हो जाएगा गोल राउंड। अब उसके ऊपर कोई आदमी कोई तिनका भी डाले थोड़ी देर डूबेगा नहीं, फिर डूबेगा। इसको सत ही तनाव कहे, उसको अबरज़ख कहे अरबी में। बैनहुमा बरज़खुन, इन दो के बीच में बरज़खुन, लायक क्या, इसकी वजह से एक पानी दूसरे पानी से मिलता नहीं, सुपर का कतरा नीचे नहीं जाता, थोड़ी देर के लिए रखा था, ये यूं होने के बाद इसको बैनहुमा बरज़खुन लायक क्या। दूध गर्म होने के बाद एक पत्ती सी हल्की सी पहले ऊपर ही आ जाती है, दिल्ली दिल्ली बरज़खुन लायक ज्ञान, ये दोनों को मिलने नहीं देती। किसने बनाई? ऑटोमेटिक बनी। वही वो कहा कि मुर्गी ने चोंच मारी तो बच्चा निकला, तो मुर्गी ने क्यों चोंच मारी, उसके दिल में किसने डाला कि मैं चोंच मारूं? 21 दिन के बाद बच्चे को बाहर निकालने के लिए तो खुदा का निजाम है। एक ही फल एक ही घास, एक ही फल एक ही घास भैंस खावे, उसके पेट में जाके सफेद दूध बन जाता है, देखो व्हाइट कलर किसने डाला? तो घास खाते ग्रीन कलर का अंदर जाके व्हाइट दूध बनता है, कपास के बीज खाते हो ब्लैक कलर का अंदर जाके व्हाइट दूध बनता है। इस तरह से अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, अक्सुबाना उताला के मखलूकत में अल्लाह का जलवा नजर आएगा, अक्सुबाना उताला की मारिफत नसीब आएगी। इसको किसी ने कहा जमाल रुख परवर अल्लाह के बारे में, सूरत महरे नीम रोज, सूरत माने अल्लाह की जात अकदस, महरे नीम रोज माने जैसे दो पहर का सूरज, नीम माने आधा, नीम गरम आधा गरम आधा ठंडा, नीम रोज आधा दिन 12 बजे, उस वक्त सूरज जवानी पर होता है। अब उसकी झलक कितने भी पर्दे करो तो अभी बाहर आएगी, हुवल जाहिर हुवल बातिन, अल्लाह इतने जाहिर कि एक एक चलती चूंटी आपको तर्जुमानी करेगी कि मुझे किसी ने बनाया। चलती चूंटी दिल की आंख है, एक चलती चूंटी, और देखो चूंटियां भी बेकार नहीं, बेकार इंसान को सबक लेना चाहिए। सुबह में उठ के देखो तो कीड़े मकोड़े भी दौड़ भाग करते होंगे, कोई कीड़ा नहीं, कोई चूंटी भी बेकार नहीं होगी। या तो कोई शकर का दाना लेने जाती होगी, कोई भरा हुआ कीड़ा मकोड़ा लेने जाती होगी, कोई और चीज कोई रोटी का टुकड़ा लेने जाती होगी, चूहे भी बेकार नहीं, चूहा भी हर हाल में देखोगा, कोई या तो कोई सूटकेस कटता है, कोई किसी का चमड़े का झूठे खा रहा है, कोई रोटी खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, बेकार नहीं, बेकार नहीं रहे, सबक लेने का। अंतु मीन बिल्ला,
اللہ کی ذات کو ہستی کو عقیدہ کہلے. دوسرے نمبر پر حق سبحانہ تعالیٰ کو پھر صفات کمالیہ کا جامع مانے. حق سبحانہ تعالیٰ واجب الوجود ہے, ایک تو اللہ کی ذات کا قیدہ, اور دوسرے نمبر پر حق سبحانہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. اور واجب الوجود سمجھاؤ, سمجھو, ورنہ خالی الفاظ رہ جائیں گے, الفاظ کے گلدستے, خالی رنگ رنگ کے الفاظ نہ ہو, حقیقت ہو. بہت سے لوگ بولتے ہیں, اس کو بولنے والے کو بھی پتا نہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں. شاندار الفاظ بولیں گے دوستوں بزرگوں, اس کی حقیقت بھی معلوم ہونی چاہیے. واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جس کا وجود خانہ زاد ہو, مستعار نہ ہو. مستعار اسے کہے مجھے خط لکھنا ہے, دس منٹ کے لیے پین لاؤ, یہ پین میری نہیں ہے, ان کی ہے, مجھے لکھ کے واپس کرنی پڑے گی. اللہ رب العزت کا جو وجود ہے وہ مستعار نہیں, خانہ زاد. جب خانہ زاد ہے تو حیون قیوم, اللہ کو معتد نہیں, حیون قیوم. میری قلم ہے تو کون واپس مانگے. اللہ میاں کا وجود گھر کا وجود ہے, اور اللہ کے سوا ماں سوا جتنے ہے, کان صورت ہم کے اندر آ کے مل کرتے ہیں, چشمہ بھی دے تو سو جاتا ہے, پھیم میں سو جاتا ہے, رات کو جلدی سو جائے, تکیا لے کر پھر لے گا, جہاں دیا سو جانے گا, گھر جاتے سوچتے آ بغل میں, جہاں دیا سو جانے گا. کیا کہہ رہا تھا, واجب الوجود اسے کہا ہے کہ جس کا وجود خانہ زاد ہو, یعنی گھر کا ہو. حق سبحانہ و تعالیٰ کا وجود مانگا ہوا نہیں, مستعان نہیں, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, کیونکہ آپ کا وجود حق سبحانہ و تعالیٰ کا خانہ زاد گھر کا وجود ہے. اور اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ماں سوا, ان سب کا وجود مستعار ہے. مستعار کا معنی مانگا ہوا, میرا نے آپ کا وجود تو مانگا ہوا. چنانچہ 25 سال پہلے ہم نہیں تھے, 30 سال پہلے تھے نہیں, تو وجود نہیں ملا. ہر اتا انسان ہی نو منت لم یکن شیئا مذکورا, اللہ خود کہتا ہے کہ انسان تو چند دن پہلے کہاں تھا, تیرا ترسا بھی نہیں تھا محلے میں, تیرے نام کا کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا, تیرا نام بھی نہیں رکھا تھا. ہر اتا انسان ہی نو منت دہرے, کیا انسان پر وقت نہیں گزرا, لم یکن شیئا مذکورا, اس کا کوئی ترسا بھی نہیں تھا, یہ عدم تھا پہلے. اب پھر 60-70 سال کی عمر کے بعد پھر آدم این سے, اس کا وجود ذاتی حیض نہیں, مستعار ہے. اور دو آدم کے بیچ میں ڈپلیکیٹ وجود, پہلے بھی آدم بعد میں بھی آدم, اور دو آدم کے بیچ میں کیا ہے, اس کو انسان کو ملا, آدم ہی آدم ہے. چلا آدم سے ہستی کو, کیا ہی چین تھا خواب آدم میں, کیا ہی چین تھا خواب آدم میں, نہیں تھے تو کتنا چین تھا, کوئی یوں کہہ رہا ہے, تھے نہیں, نہیں تھے تو کتنا چین تھا, کیا ہی چین تھا خواب آدم میں. خواب مانے جب اللہ کے یہاں عالم ارواح میں آدم میں سوئے تھے, آدم کی تادر اڑ کے, نہ ہونے کی تادر اڑ کے, کیا ہی چین تھا خواب آدم میں, نہ تھا زلف یار کا خیال, دنیا کا کوئی جھنجھٹ کا خیال ہی نہیں تھا, اس کو زلف یار سے تعبیر کیا دنیا کی جھنجھٹ کو, کیا ہی چین تھا خواب آدم میں, نہ تھا زلف یار کا خیال, جگا کر سورے ظہور نے مجھے کس بلا میں پھنسا دیا. سورے ظہور مانے چلو 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 اٹھو, وجود ملتا ہے دنیا میں جاؤ, یہ سور ہوا تو میں بھی اٹھ کے یہاں آیا, میں بھی اٹھ کے کہاں آیا, اب یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ کتنی ضروریات, کتنی محتاجگی, سونے کی محتاجگی, آرام کی محتاجگی, کھانے کی محتاجگی, رسی باندھنے کی محتاجگی, نارا باندھنے کی محتاجگی, بٹن لگانے کی محتاجگی, ٹوپی پہننے کی محتاجگی, چمپل کی محتاجگی, ٹوٹ گیا تو اس کو پکھی مروانے کی محتاجگی, قدم قدم کے محتاجگی, کوئی جھگڑا ہو گیا تو سمادھان کی محتاجگی, 24 گھنٹہ احتیاط احتیاط احتیاط. تو کوئی یوں کہتا ہے کیا ہی چین تھا خواب آدم میں, نہ تھا زلف یار کا خیال, جگا کر سورے ظہور نے مجھے کس بلا میں پھنسا دیا.
जगा कर सूर्य जहूर ने मुझे किस बला में, ये बला में फंसा दिया। अदम में थे तो हमारा वजूद मुस्तआर, अदम असली, और हक सुबहानहू तआला का वजूद खानादार, और अदम वहां भटक नहीं सकता है। अल्लाह की अदम भटक नहीं सकता है, तो हक सुबहानहू तआला की साथ वाजिबुल वजूद, तो ये वाजिबुल वजूद का अकीदा ईमान का जूज है अल्लाह के बारे में। अंतुमिन बिल्ला, एक तो अल्लाह की हस्ती को माने, और अल्लाह की हस्ती के बाद उसको वाजिबुल वजूद का अकीदा रोज ध्यान में लावे तो ईमान बने। अल्लाह जमात में जाओगे तो कहा कि दोस्तों बोलो ईमान, पर ईमान हूं ईमान को बनाने का, ईमान समझे ना फिर बनावे, पहले ईमान को समझे ना उसके बाद ईमान को बनावे। अब दूसरी बात यह है कि हक सुबहानहू तआला वाजिबुल हुजूर के साथ तमाम सिफाते कमालिया के तने तनहा मालिक, जिनके पास कोई भी कमाल है अल्लाह ने दिया। मा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, मा बिकुम मिन नेमतिन अल्लाह ने कहा, तुम्हारे किसी के पास भी कोई भी राय की खूबी है ये मैंने दी है, मेरी तरफ से आता है। वहां अता का सिलसिला जारी है, मुसलसल जारी है, एक सेकंड के लिए बंद नहीं, अता का सिलसिला मूसलाधार बारिश की तरफ बरस रहा है। किसी को शक्ल मिली, किसी को कुदरत मिली, किसी को इल्म मिला, किसी को सेहत मिली, किसी को खाना मिला, किसी की मुराद पूरी हुई, 24 घंटा मूसलाधार बारिश की तरह अतात का सिलसिला जारी। मां बिकुम मिन नेमतिन, इसका इस्तेजार करें ईमान बनाना हो तो। ये तो कर्जुमा कर लो कि अंतु अमीन बिल्ला, जिब्रे साहब ने पूछा क्या इसे करें, तर्जुमा कर लिया, उमुख में उतरो। ये आपको खाली मुस्ते नमूना खुलवा ले, इसलिए खोल के बयान कर रहा हूं कि इस तरह से हदीस के अंदर उलूम भरे हैं, हर हदीस पर ऐसा नहीं बोलेंगे, ताकि आपको मकाम मालूम हो कि हदीस क्या है। अल्लाह के रसूल जो जामिउल कलम जवामिउल किलम थे, नबी पाक शाम को अल्लाह पाक ने जवामिउल किलम की खुशियत अदा कर गई, मुख्तसर लफ्ज मानी से लबरेज, और हमारा ने दूसरों का अल्फाज के भीर भरमार माने का दुकान कहत माना कुछ नदार कहत माने का कहत ने अल्फाज की भीड़ हो गई।